हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आए हैं। ये जो कंपनी है ये फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इन्वेस्टमेंट करने का काम भी ये कंपनी करती है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक और एक फंडामेंटल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार अपने इन्वेस्टर के पैसे को लगभग हर साल दो गुना कर देता है। ये और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, और अभी ये जो स्टॉक है केवल 2 या 3 रुपये के ऊपर ट्रेड करने वाला एक पैनी स्टॉक है। किसी समय ये जो स्टॉक है 115 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करता था, और अब भी ये जो कंपनी है लगातार एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लग रही है। तो ये जो कंपनी है इसको 1995 में बनाया गया था और फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है ये। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये जो शेयर और जो सिक्योरिटीज होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी काम ये कंपनी करती है, और इसका जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो जो ये पैसा ब्याज के ऊपर देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो उससे इसका जो रिवेन्यू है वो जनरेट होता है। अगर इसका टेक्निकल व्यू देखें ये बिल्कुल एक स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 12 करोड़ की है। इसका जो बाउंड्रिक हाई हो 3.60 रुपये और जो लो है वो 54 पैसे है। इसके ऊपर डेट ऑफ इक्विटी हो 1.14% का, यानी कि थोड़ा बहुत ही कर्जा है इसके ऊपर। जो प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो केवल 7 लाख की हैं, जबकि इसकी जो टोटल एसेट है वो 6.59 करोड़ की है। और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रहती है, आप आसानी से इसको कभी भी खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 115 रुपया है और इसका जो ऑल टाइम लो है वो केवल 19 पैसे है। इसकी जो सेल्ज क्वार्टर वाइज वो 10 लाख, 13 लाख, 46 लाख ऐसे हो जाती है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज वो 6 लाख का यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं तो 1 लाख का, 2 लाख का ऐसे हो जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत ही इसका जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट होता रहता है। इसके ऊपर जो कर्जा भी वो 3.47 करोड़ का। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो -32.95 करोड़ की है, और काफ़ी समय से इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो नेगेटिव रही है। इसकी जो टोटल एसेट है 6.59 करोड़ की है। तो देखिए इसकी जो शेयर कैपिटल है और इसकी जो टोटल एसेट है उसको देखते हुए ये जो कंपनी है इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्जा 3-4 करोड़ का ये कभी भी उसको उतार सकती है। और इसमें जो प्रमोटर हैं उनकी जो होल्डिंग है वो 1.48% की काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास ही है, वो 98.51% की है। लेकिन इसमें जो ये पब्लिक है इसमें जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में बनाया हुआ है। जैसे कि ये वीगियो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, इसकी जो होल्डिंग है वो 12.50% की बनी हुई है। गोदावरी कॉमर्शियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, इसकी जो होल्डिंग है वो भी 6.97% की बनी हुई है। लेक व्यू लैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, इसकी जो होल्डिंग है वो भी 4.74% की बनी हुई है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सारी की सारी जो होल्डिंग है वो जो ये कंपनियां हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को इसमें बनाया हुआ है। तो भले इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 1.48% की है, लेकिन जो पब्लिक है इसमें भी जो ये कंपनियां हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को इसमें बनाया हुआ है। तो अभी जो ये स्टॉक है ये 3 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। एक फंडामेंटल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें, और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। तो ये जो कंपनी है इसका जो नाम है वो मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। तो अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो आप इसकी 100 क्वांटिटी हो गया, 200 क्वांटिटी हो गया, ऐसे करके इसको आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको बाई करके अगर थोड़े बहुत टाइम के लिए भी इसको होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। सो दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।